हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 12 मार्च 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। तो आज का एक क्वेश्चन है, पहले हम वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है वो है WHO के बारे में, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेके है। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है यहाँ पे कि इट इज ए मेंबर ऑफ UN डेवलपमेंट ग्रुप, मतलब UNDP का एक मेंबर ग्रुप है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंडिया इज ए फाउंडर मेंबर ऑफ WHO। और तीसरा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे कह रहा है कि WHO है वो UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो अब आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट है वो WHO को लेके सही है। ऑप्शन देखो इस तरीके से हो सकते हैं, एक और दो, दो और तीन, पहला दूसरा तीसरा, या फिर पहला तीसरा, इस तरीके से। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि देखो हमने WHO के बारे में काफी बार डिस्कस भी कर लिया। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट जो हमारा आज का आर्टिकल है वो आया है ड्रिप प्रोजेक्ट को लेके। ड्रिप का मतलब है यहाँ पे डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है। क्या प्रोजेक्ट, क्यों इस प्रोजेक्ट की हमें जरूरत पड़ी वो हम देखते हैं, फिर हम कंटेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। देखो कुछ फैक्ट हैं, जैसे पहला फैक्ट तो एक ये है कि अगर ग्लोबल लेवल पे हम देखें डैम या बांध के बारे में क्या हालात हैं, तो सबसे ज्यादा जो डैम है वो चाइना में है, लगभग 23,000 के समथिंग है, संख्या में रटनी नहीं है। US में फिर सेकेंड नंबर पर डैम है 9,000 के आसपास, और इंडिया में जो डैम की संख्या वो लगभग 5,000 प्लस है, मतलब 5,200 समथिंग है। अब ये संख्या देखो, मैंने आपको बताया कि याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि इंडिया में डैम है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थर्ड नंबर पे इंडिया वो आता है, कि इंडिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा डैम है। अब बात ऐसी कि हमारे देश में जो डैम बने हुए हैं ना वो काफी पुराने हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम डैम है वो बने हुए हैं या तो अंग्रेजों के टाइम पे, या आजाद भारत हुआ था उसी टाइम पे बने थे, तो मतलब काफी पुराने हो गए। इसलिए क्या रहे, काफी दिक्कत आ रही है कि भाई काफी बार डिजास्टर हो जाते हैं। देखो इसमें यहाँ पे थोड़ा डाटा भी दिया गया है कि अगर लास्ट हम डैम डिजास्टर देखें इंडिया में, तो अभी तक 36 डैम डिजास्टर हो चुके हैं आज़ादी के बाद। सबसे ज़्यादा राजस्थान में हुए हैं, फिर मध्य प्रदेश में, फिर गुजरात में। तो ये थोड़ा फैक्ट भी है, हमें थोड़ा पता होना चाहिए। अब हमारे देश में जो मैक्सिमम डैम है वो देखो लगभग 50-60 साल पुराने होते जा रहे हैं, इसलिए उनको टाइम टू टाइम रिनोवेट करना भी जरूरी हो जाता है, उनको मेंटेनेंस वगैरह भी खर्चा होता है। इसीलिए क्या हुआ था, इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जो था डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये हमारे देश में जो भी डैम है इनकी हालत सुधारी जा सके, और इसका मेनली फोकस था कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तराखंड जैसे स्टेट में। तो ये आपको ध्यान में रखना कि डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ने, ड्रिप जो प्रोजेक्ट है इसमें जो फंडिंग है वो 50% है वो तो वर्ल्ड बैंक दे रहा था, और 50% है वो इंडियन गवर्नमेंट दे रही थी। बट अभी कंटेक्स्ट यह था कि $137 मिलियन की एक्स्ट्रा जो सपोर्ट है वो एक्चुअली यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी जा रही है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। मोटो क्या है इसका, इसका मोटो ये है कि हमारे देश में लगभग 220 ऐसे डैम हैं, बड़े डैम, छोटे डैम की बात नहीं की जा रही है, 220 ऐसे बड़े मेजर डैम है जिसमें हीराकुंड डैम भी इंक्लूड है, जिनको जिनकी रिनोवेशन है उनका तरह से, उनमें जो भी मरम्मत वगैरह कार्य है, मेंटेनेंस वगैरह वो किया जाएगा ताकि कोई भी डिजास्टर वगैरह ना हो सके, इसलिए ये स्टेप वो उठाया जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, नेक्स्ट इसमें जो न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 80% जो डैम है हमारे देश में वो काफ़ी 25 साल पुराने, 209 डैम है वो 100 साल पुराने। देखो तो ये सब रटना नहीं है, बट एक मोटा मोटा हमें आइडिया है वो होना चाहिए। अब बात हम करें ड्रिप प्रोजेक्ट कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, वो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है वो चला रही है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन है वो भी बनाया है। तो ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखा है कि अलग से कमीशन बॉडी बनाई गई है ताकि डैम की मेंटेनेंस अगर खाओ वो अच्छे से किया जा सके। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेके है। तो क्या है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेके, वो हम यहाँ पे देखते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी फाउंडेशन स्टोन रखा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। तो यह है कंटेक्स्ट, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है क्या। देखो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मतलब ऑब्वियसली जो काशी में हिंदू टेम्पल है उसके लिए कॉरिडोर है वो बनाया जा रहा है। तो काशी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, तो वहीं पे ऑब्वियसली कॉरिडोर है वो बनाया जा रहा है। ये लगभग 50 फीट का एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि गंगा रिवर का एक घाट है यहाँ पे मणिकर्णिका, और इसी के साथ ही ललिता घाट, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा। किसके साथ, काशी विश्वनाथ जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आते हैं उनके साथ, मतलब ये कनेक्टिविटी के लिए बनाया जा रहा है। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए बैकग्राउंड के बारे में, अगर हम देखें कि काशी विश्वनाथ टेम्पल है वो एक हिंदुओं का इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थान है जो कि लॉर्ड शिवा से बिलोंग है वो करता है, मतलब भगवान शिव से ये बिलोंग है वो करता है। UPSC ये कई बार पूछ लेती है इस तरीके से, क्योंकि हमारे एंशेंट मोन्यूमेंट्स वगैरह में भी इंक्लूड है वो होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि लॉर्ड शिवा को यह डेडिकेट है। कहाँ पे, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ये इफेक्ट हमने यहाँ पे देख लिया।
ये एक्चुअली गंगा रिवर के किनारे पे वेस्टर्न हिस्से पे बना हुआ है। तो यूपीएससी के बाद ऐसे फैक्ट भी पूछ लेती है कि जो ये टेम्पल है वो ईस्टर्न घाट या ईस्टर्न हिस्से पे है, ये गंगा रिवर की यमुना वगैरह के, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वेस्टर्न बैंक पे। क्योंकि यूपीएससी के बाद कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट भी पूछ लेती है जिनके बारे में हमें पता होना जरूरी हो जाता है। इसके साथ जैसा मैंने आपको बताया कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक है वो है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव की मंदिर से बिलोंग है, भगवान शिव की मूर्तियां हैं, पूजा पूजा यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे आर्टिकल है वो है न्यू रीइंटीग्रेशन पॉलिसी। क्या है न्यू रीइंटीग्रेशन पॉलिसी? देखो ये पॉलिसी आई है जम्मू एंड कश्मीर में जो टेररिज्म फैला है, जो मिलिटेंट्स बन रहे हैं उनको रोकने के लिए। आपको अगर सीधी सीधी लैंग्वेज में बताऊं कि ये न्यू इंटीग्रेशन पॉलिसी का मोटो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो लोकल यूथ है, जो मिलिटेंट्स की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, आतंकवाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मतलब आईएसआईएस हो या फिर कोई भी इस्लामिक ग्रुप हो जिसमें कि टेररिज्म को प्रमोट किया जा रहा हो, उससे अगर वो बढ़ते मतलब उनके साथ अटैच हो रहे हैं तो उनको रोकने के लिए न्यू इंटीग्रेशन पॉलिसी है, री इंटीग्रेशन पॉलिसी है वो लगी है। इसका मोटो ये रखा गया है अभी कि देखो उनको अगर वो अपने आप आत्मसमर्पण कर देते हैं तो गवर्नमेंट उनको 6,000 रुपये मंथली सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। इसके साथ ही उनको जॉब वगैरह है वहाँ भी हेल्प है, सपोर्ट है वो दिया जाएगा। मतलब उनको डेली लाइफ में इंक्लूड करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा यह इनिशिएटिव है वो लिया जा रहा है। बस इसके लिए कंडीशन ये है कि जो भी मिलिटेंट होंगे वो किसी हीनियस क्राइम के अंतर्गत इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी इसमें मिलिटेंट है जो या कोई भी पर्सन है जो कि हीनियस क्राइम मतलब काफ़ी संगीन या काफ़ी गंभीर अपराध क्राइम उसने किया हो तो उसको एक्चुअली इस पॉलिसी का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। अभी तो देखो यह जो पॉलिसी है वो केवल एक ड्राफ्ट है, इससे पहले भी जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी सारी ऐसे पॉलिसियाँ काफ़ी सारी ऐसी स्कीम आई है। 2004 में एक पॉलिसी आई थी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी। तो यूपीएससी देखो ऐसे क्वेश्चन एक तो ऐसे पूछ सकती है कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी किससे, नक्सलवाद से लेके वगैरह, तो हमें पता होना चाहिए कि नहीं भाई ये नक्सलवाद को लेके नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर में जो मिलिटेंट्स या आतंकी गुट संगठन बन रहे हैं, यूथ लगातार उनकी तरफ अग्रसर हो रही है, उनको रोकने के लिए ये पॉलिसी है वो लाई गई है। 2004 में रिहैबिलिटेशन जो पॉलिसी आई थी वो उस टाइम की जो पीडीपी गवर्नमेंट थी वहाँ पे सत्ता में, यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके द्वारा लाई गई थी। और उस टाइम पे 2,000 रुपये का सपोर्ट दिया जाता था उनको, और इसके साथ ही उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो गाइडलाइंस है उनको फुलफिल करने के लिए मतलब इंक्लूड है वो किया जाता था कि भैया भारत के संविधान के अंदर है कि काम है वो करें। तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि जो न्यू इंटीग्रेशन पॉलिसी है इसका मोटो क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो मिलिटेंट है उनको नॉर्मल धारा में या नॉर्मल आम लाइफ के अंदर इंक्लूड किया जा सके, उनको सपोर्ट दिया जाए और उनको सही डायरेक्शन है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है प्लस पोलियो प्रोग्राम 2019 के लेके। देखो गवर्नमेंट ने प्लस पोलियो प्रोग्राम है वो हर साल चलाया हुआ, ऐसा नहीं कि एक इसी साल चला है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है वो साल में एटलीस्ट कम से कम 2 बार है वो पोलियो वैक्सीन है वो प्रोवाइड करवाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और वैसे भी जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स वगैरह है वहाँ पे भी फ्री में पोलियो वैक्सीन है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। बट हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। देखो जो पोलियो वैक्सीन होता है, पहली बात तो एक है पोलियो जो डिजीज है वो एक वायरस जनित रोग है, ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए कि भाई पोलियो एक वायरस की वजह से फैलता है, पोलियो वायरस है उसका नाम। अब जो पोलियो वायरस को रोकने के लिए क्या है, 2 तरह की वैक्सीनेशन है टीकाकरण है यूज किए जाते हैं। एक तो होता है IPV और एक होता है OPV। IPV का मतलब होता है यहाँ पे इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीनेशन, और जो OPV होता है उसका मतलब होता है ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। इसमें डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। देखो जो ओरल पोलियो वैक्सीन है इसका मतलब तो ये होता है कि जो मतलब मुंह वगैरह के थ्रू जो ड्रॉप है वो दी जाती है वो तो होती है ओरल, और यहाँ पे इनएक्टिवेटेड जो पोलियो वायरस वैक्सीनेशन इसमें क्या होता है इंजेक्शन है वो लगाया जाता है। तो इनमें एक डिफरेंस तो हुआ ये। इसके साथ ही कुछ फैक्ट एक ये ध्यान में रखना है हमें कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन जो ओरल यहाँ पे पोलियो वायरस वैक्सीन है ना, यानी कि OPV, इसमें क्या होता है जो भी डोज दी जाती है जो भी दवाई दी जाती है ना उसमें काफ़ी बहुत ही कम मात्रा में जो पोलियो वायरस होते हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं। ध्यान में रखना ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ओरल पोलियो वायरस वैक्सीनेशन है जो मेनली गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत, इसमें जो ड्रॉप दी जाती है मुंह में, इसमें क्या होता है कि पोलियो वायरस है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है काफ़ी कम मात्रा में। वो एक्टिवेट इसलिए होता है ताकि हमारी बॉडी में जब वो पोलियो वायरस जाए तो जो बॉडी का जो हमारा सिस्टम होता है एक तरह से रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो उसको डेवलप कर ले अपने आप को कि भाई अगर पोलियो का फ्यूचर में अटैक हो जाए तो उसको हम रोक सकें। तो इसमें जो वैक्सीनेशन में ध्यान रखना है एक्टिव फॉर्म में पोलियो वैक्सीन को यूज है वो किया जाता है।
जबकि जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीनेशन है यानी जो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, इसमें क्या होता है जो पोलियो के वायरस के जो भी मतलब बॉडीज होती हैं वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में या डेड फॉर्म में होती हैं। तो ये इनमें मेजर डिफरेंस है, यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। एक तो इंजेक्शन की तरफ से दिया जाता है जो है आईपीवी, और इसी के साथ इंडिया है वो वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने जो इंजेक्शन वाला इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीनेशन है वो भी स्टार्ट कर दिया है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ इंडिया है वो 2014 में ही अपने आप को पोलियो फ्री कंट्री है वो घोषित कर चुका है। लास्ट जो इंडिया में केस देखा गया था पोलियो का वो 2011 में देखा गया था वेस्ट बंगाल और गुजरात में। तो ये कुछ फैक्ट है जिन्होंने हमें यहाँ पे कवर है वो किया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को लेके, कंटेक्स्ट क्या है वो भी हम देखेंगे। कंटेक्स्ट तो बेसिकली यह है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उसने अभी जो माइक्रोवेव ओवन होता है इसके लिए कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी की हैं, मतलब जो स्टार रेटिंग होती है उसको लेके, तो वो तो कुछ खास हमारे लिए नहीं है, बट हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। सबसे पहला फैक्ट, यह एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट का एक्ट है जिसका नाम है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, इसके तहत इसका निर्माण है। वो क्या गया, कौन सी मिनिस्ट्री है, ऑब्वियसली पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम है वो करती है। काम क्या है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, नाम से पता चल रहा है कि एनर्जी एफिशिएंसी को लेके हमारे देश में गाइडलाइंस वगैरह डिसाइड है वो करती है। इसका मेन मोटो ये है कि हमारे देश में जो एनर्जी की डिमांड है उसको रिड्यूस करना, रिड्यूस किस फॉर्म में कि भाई ज़्यादा खपत ना हो, मतलब वेस्टेज ना हो, हम ऐसे उपकरण का यूज करें जो कम इलेक्ट्रिसिटी है या कम एनर्जी है उसका यूज करें और अच्छी एफिशिएंसी उनमें होनी चाहिए। मतलब कहते हैं ना कि कम मात्रा में डोज लो फिर भी रिजल्ट है वो अच्छा होना चाहिए, वो वाली बात यहाँ पे की है वो की गई है। इससे हमारे देश की जो एनर्जी की डिमांड है, एक्स्ट्रा फालतू की बर्डन है वो कम हो जाएगी और जिन लोगों को जरूरत है उनको एनर्जी गवर्नमेंट प्रोवाइड है वो करवा सकती है। अब देखो इसमें जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है ना, इसके द्वारा दो तरह की लेबलिंग की जाती है। आपने स्टार रेटिंग के बारे में तो सुना होगा काफ़ी बार, जो भी आप फ्रीज एसी वगैरह यूज करते हैं उनमें देखो स्टार रेटिंग होती है। अब स्टार रेटिंग होती क्या है, जिस तरीके से जो होटल वगैरह में होती है ना स्टार रेटिंग, वन स्टार मतलब घटिया सा होटल है काम चलाउ सा है, फाइव स्टार मतलब बहुत ही अच्छा है, उसी तरीके से रेटिंग है वो यहाँ भी प्रोवाइड करवाई जाती है। फाइव स्टार का मतलब बहुत ही अच्छा उपकरण है जो कि एनर्जी एफिशिएंट, एनर्जी एफिशिएंट का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल सिर्फ वो इलेक्ट्रिसिटी कम यूज कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा उसके फीचर्स की अगर हम बात करें, इन्वायरमेंट के प्रति उसका जो भी मतलब डैमेज अगर वो कर रहा है वो भी बहुत कम मात्रा में करता है, काफ़ी सारे पैरामीटर्स के आधार पे ये रेटिंग है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, केवल एनर्जी कंजप्शन के आधार पर ही नहीं कि भाई ये लाइट ज़्यादा खा रहा है इसलिए ये मतलब घटिया उपकरण है, इसकी रेटिंग कम है वगैरह, बहुत सारे पैरामीटर्स को देख के जाइए वो किया जाता है। तो अभी यह है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वो दो तरह की लेबलिंग जारी करती है, एक तो होती है बिग वन और एक होती है स्मॉल वन। बिग वन का मोटो ये होता है कि जो बड़े उपकरण होते हैं, जिस तरीके से हम बात करें यहाँ पे बिग वन में देखो आ जाता है कि एसी वगैरह आ गई, या फिर हम बात करें जो बड़े उपकरण में जैसे फ्रिज हुआ या फिर इसके साथ गीजर वगैरह हुआ, जो ऐसे जो उपकरण जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी खाते हैं कंजप्शन करते हैं उनके लिए यहाँ पे बिग लेबल जो लेकिन मतलब एक तरीके से स्टार रेटिंग वो प्रोवाइड करवाई जाती है। और फिर जो स्मॉल लेबल जो प्रोजेक्ट का मतलब जो स्मॉल लेबल के जो प्रोडक्ट कौन से होंगे जैसे कि सीलिंग फैन हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, टेलीविजन हुआ, इनके लिए स्मॉल लेबल का यूज है वो किया जाता है। तो यूपीएससी इसके बारे में भी पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए कि दो तरह की लेबलिंग है वो की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है यहाँ पे वो है रिन्यूएबल एनर्जी स्टेटस को लेकर। देखो कल ही हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उस आर्टिकल में हमने ये डिस्कस किया था कि 25 मेगावाट तक के जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हैं उनको रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेटस है वो मिलता है, ये हमने कल डिस्कस किया था। बट अभी गवर्नमेंट ने चेंजेस कर दिया, अभी गवर्नमेंट ने लेटेस्ट चेंज ये किया है कि 25 मेगावाट से ज़्यादा के जो प्रोजेक्ट है ना, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं उनको भी रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेटस है वो दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो आपको पता है कि गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है कि 2022 तक हमें एट एनी कॉस्ट 160 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्रोड्यूस है वो करनी है। ये रखा गया है गवर्नमेंट का टारगेट, जिसको हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है कि गवर्नमेंट का टारगेट सबसे बड़ा क्या है, 2022 तक हमें रिन्यूएबल एनर्जी से 160 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। अब आप देखिए हमारे देश में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं वो 25 मेगावाट से बड़े ही हैं। अगर वो मैक्सिमम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 25 मेगावाट से बड़े हैं और अगर उनको रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेटस नहीं दिया गया, इसका मतलब क्या है कि 160 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो 25 मेगावाट से बड़े इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं उनको, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं उनको भी रिन्यूएबल एनर्जी का दर्जा दे दिया। इससे क्या होगा
कि गवर्नमेंट का जो टारगेट है 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का 160 गीगावाट वो पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि 25 मेगावाट से बड़े हैं वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के स्टेटस मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है वो भी कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी में इंक्लूड है, वो की जाएगी, जिससे गवर्नमेंट अपने टारगेट को फुलफिल है वो कर सकती है। तो ये यूपीएससी पूछ सकती है। तो ये हमें नए अपडेट है, वो आपको नोट्स में कर लेना है, ये नई गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई है इसलिए। इसी के साथ ही देखो, एक ये था कि जो हमारे देश में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है ना, जिस तरीके से हर स्टेट में अलग अलग होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वो होती है जो पावर प्लांट वगैरह जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उस इलेक्ट्रिसिटी को आम लोगों के घरों वगैरह तक पहुँचाती है, मतलब घर वगैरह तक पहुँचाने का काम है वो इनके द्वारा किया जाता है। उनके लिए कुछ गाइडलाइंस होती थी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए कि भाई उनको 10% 20% जो एनर्जी है वो तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ही खरीदनी होगी, और वो भी उनके लिए गाइडलाइंस होती कि भाई इस रेट वगैरह इससे कम रेट पे वगैरह नहीं खरीद सकते, तो वहाँ भी उनको काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी, इसलिए उनको काफ़ी महंगी भी नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ फैक्ट थे जिनको हमने यहाँ पे कवर किया है। अब देखो, दो तीन छोटी छोटी सी न्यूज़ हैं। पहला तो यह कि हम अभी 3-4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, अब जो पावर प्लांट सॉरी थर्मल पावर प्लांट जो कि न्यूज़ में थे, तो इनकी लोकेशन हमें पता होना चाहिए। एक तो है खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। खुर्जा देखो यूपी में एक जगह है, खुर्जा यूपी में एक जगह है जो कि इसलिए आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में है। बाकी खुर्जा में आप ये बताइए कि कॉरिडोर आके कनेक्ट होते हैं, कौन से वो कॉरिडोर हैं, रेल कॉरिडोर हैं या फिर रोड कॉरिडोर हैं जो खुर्जा में आके कनेक्ट होते हैं, कौन से हैं वो आप एक बार गूगल करना या आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ऑब्वियसली कॉरिडोर में, वहाँ पे आपको बताना कि खुर्जा इसके अलावा किस लिए न्यूज़ में रहता है। नेक्स्ट है वो यहाँ पे है बुक्सार थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कि बिहार में है। इसके साथ तीस्ता है, तीस्ता ये आपको ध्यान में रखना है, ये कहाँ पे है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है ये है सिक्किम में, और इसके साथ ही है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में। तो यूपीएससी इनको बारे में पूछ सकती है, इनकी लोकेशन या मेज द फॉलोइंग में। इसके साथ ही छोटी सी न्यूज़ ये थी कि उड़ीसा गवर्नमेंट है उसने बोट के थ्रू एम्बुलेंस सर्विस है वो स्टार्ट की है, कहाँ पे, रिमोट विलेजेस में। देखो इसमें ये है कंटेक्स्ट कि उड़ीसा के अंदर जो भितरकनिका नेशनल पार्क है उस एरिया में क्या कि काफ़ी सारे रिवर वगैरह हैं, तो वहाँ पे एम्बुलेंस की काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि रोड वगैरह की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, इसलिए वहाँ पे बोट के थ्रू एम्बुलेंस सर्विस है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है इमरजेंसी केस वगैरह के लेके, तो हमें यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है, तो ये छोटा सा फैक्ट ध्यान में रखना है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।